अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख रहे हैं आज का जो वीडियो है भाई, काफी जो आप नए बकरे पालते हैं उनके लिए काफी भाई एक बकरे पालने में बहुत मदद करेगा। और इस वक्त हमारे साथ जो मौजूद है मुर्तुजा उस्ताद हैं, जो कि भाई काफी अच्छा एक्सपीरियंस है और काफी बढ़िया बकरेबाजी है देवास में। और अल्हम्दुलिल्लाह देवास में ही नहीं, सब दूर आप ऑल ओवर इंडिया में नाम अगर देखेंगे तो काफी बढ़िया है भाई, तजुर्बा है। तो ऐसे ही आज वीडियो भाई, काफी फोन आ रहे हैं मेरे पास कि भाई हमारे बकरे खा नहीं रहे हैं और किस तरह से दाना खिलाए उनको। तो मेरी बात उस्ताद से हुई थी, मुर्तुजा भाई से, तो मैंने उनसे बात करी तो उन्होंने बताया कि भाई अगर ऐसी बात है तो हम नए जो बकरे पालक है जो पालना चाहते हैं कुर्बानी के लिए या ट्रेडिंग के लिए पालना चाहते हैं तो उनके लिए मदद करने के लिए, तो चलते हैं बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाई। उस्ताद जैसा कि अभी मैंने बताया वीडियो में जी कि मेरे पास काफी फोन आए हैं। हाँ फोन तो बहुत आते हैं, हमारे पास भी आते हैं जुनैद भी फोन जी। नए नए जो भाई लोग बकरे पालते हैं फिर वो बकरा तो ले लेते हैं जी, बाकी उनके समझ में नहीं आती हम कैसे क्या खिलाएं उनको, परेशान करते हैं फोन लगा के भाई हमारा बकरा वजन नहीं ले रहा है ये वो। तो फिर अपन उनको फोन लगाते हैं तो अपन उनको बताते हैं, तो वो आपने भी बोला तो अपन एक वीडियो बना के डाल ही देते हैं जी, ताकि उन लोगों को परेशानी नहीं आए, फायदा हो जाए उनका, फायदा हो जाए उनका बिल्कुल। इसके अंदर अपना तो कोई फायदा है ही नहीं जी जी भाई, अपना तो अल्लाह के लिए बता रहा है अपन जी भाई, वो परेशान नहीं हो और अल्लाह उनका शौक बढ़ा है जी जी। तो ये दाना सभी प्रकार का मैंने रखा है यहाँ पे जी, जो मैं भी खिलाते ही हूँ वही दाना रखा है मैंने जी। इसके अंदर कोई ऐसा नहीं है कि भाई जो मैं खिलाता हूँ छुपा दिया ने दूसरा अपन उनको बता रहा है। इसके अंदर गेहूं भी है जी, सोयाबीन है, मट है, चऊ है, अपनी उड़द है, मक्का है, चना है और मूंग है जी। तो उस्ताद ये जो अभी हम दाना बता रहे हैं ये सेल्फ फीडिंग के लिए, ये सेल्फ फीडिंग के लिए दाना है। आदमी बकरा ले लेता है 50-55 किलो का बिल्कुल, और अगर बकरा 1 किलो का दाना खाता है जी तो उसके अंदर जो है क्वांटिटी रखे, सोयाबीन रख ले 50 ग्राम जी, मट रख ले 50 ग्राम जी, जौ रख ले 50 ग्राम, उड़द 25 ग्राम रख ले, अभी ठंडा मौसम है तो मक्का को भी कम रखे, 200 ग्राम करीब चना रखे जी, उसके अंदर जो है 50 ग्राम मूंग भी रख लें, और उससे ज्यादा क्वांटिटी में अगर चाहें तो गेहूं भी रख सकते हैं, गेहूं भी रख सकते हैं, गेहूं भी रख सकते हैं। 1 किलो का दाना इस तरह से बना, इस तरीके से बना लें आप और उसको बकरे को आप खिलाएं ठीक है। तो काफी अच्छा तजुर्बा है और आपके साथ जो टाइम दिया है बकरेबाजी में जी जी काफी टाइम हो गया है। हाँ अल्लाह का करम है भाई, 20 साल हो गया मेरे को बकरेबाजी में, और सेल्फ फीडिंग पे भी काफी अच्छे बकरे तैयार किए, अल्लाह का शुक्र है, सेल्फ फीडिंग पे भी रखते हैं अपन बकरे, काफी अच्छे तैयार करते हैं जी। तो चलते हैं जरा देखते हैं, एक जो दाना है इसमें अधिकतर दाने तो आप सब पहचानते हैं, एक जो दाना है सीड, ये जो ये दाना है मट, इसको हर कोई पहचानता नहीं है, ये हर कोई पहचानता नहीं है, इसको होती है वैसे राजस्थान में जी, राजस्थान में सस्ती मिलती है अपने यहाँ, करीबन 100 रुपए किलो है अभी ये जी। तो आप पंसारी की दुकान पे जाओ और उनसे मटका दाना मांगे उनसे तो वो देंगे बिल्कुल। इसमें बॉडी वेट में क्या इसका महत्व रहता है, क्या इसका ये बॉडी वेट के लिए बहुत अच्छी चीज है जी, इसको हर कोई खिलाता नहीं है, और ये चीज जो है जो बकरेबाज है खिलाते हैं वो बताते नहीं है बिल्कुल। ये बात आपकी बहुत बढ़िया है कि हर कोई खिलाता नहीं है, वो जो खिलाता है वो बताता नहीं है, क्योंकि किसी को मालूम ही नहीं है कि मालूम ही नहीं है, ये बहुत ताकतवर दाना है ये, वैसे अपने खाने की दाल है तो सभी चीज अपन खाते ही हैं, अपने खाने की है जो अपन जानवर को खिलाते हैं, बाकी ये बहुत अच्छी चीज है जी। तो ये मट है, आप मट के नाम से लेंगे तो राजस्थान में काफी ज्यादा इसको पहचानते हैं, और हमारे यहाँ भाई बकरे में लोग इसका शो नहीं करते, इसका बताते नहीं है कि भाई किस तरह से इसको खिलाना रहता है, और इस दाने को किसी को कोई आपको किसी वीडियो में आपने देखा नहीं होगा, पर उस्ताद से हमने बात करी तो उस्ताद ने हमें बताया कि हम सारे जो दाने खिलाते हैं भराई में भी खिलाते हैं वो दाने भी, और जो हम सेल्फ फीडिंग से बकरा बनता है जिन दानों से, क्या है कि गेहूं चना से हर कोई कहता है कि भाई गेहूं चना खिला ले बकरा बन जाएगा, पर बकरा बनता नहीं है। नहीं नहीं, ये सभी चीज खिलाना पड़ती है उसके लिए जी, सभी चीज खिलाना पड़ती है। अच्छा, इसमें जितना मिकदार मिलाना है, जैसे 1 किलो दाना आपको बनाना है तो सेठ ने बता दिया है कि इस तरह से आपको दाना बनाना है, ये जव है, जव भी काफी बढ़िया, एक जव का भी काफी अच्छा भाई वजन को बढ़ाने में काफी अच्छा एक काम करता है जव, हालांकि थोड़ी ठंडी रहती है, ठंडी रहती है
मौसम के एतबार में अभी ठंडी रहती है। बाकी अपन सभी चीज मिला रहा है इसके अंदर, गेहूँ भी मिला रहा है जुनेद भाई, चना भी मिला रहा है, तो इतना फर्क पड़ेगा नहीं। सबसे ज्यादा फर्क पड़ेगा मक्का से, मक्का से, मक्का थोड़ी कम खिलाएं, मक्का कम खिलाएं अभी, क्योंकि गर्मी आ जाए तो गर्मी में भली बढ़ा के खिलाएं, उसको कोई दिक्कत नहीं। मक्का से अच्छा दाना नहीं है वैसे, ये कोई उससे अच्छा दाना ही नहीं है मक्का। अगर आप देखें मक्का के, मक्का के ऊपर अगर आपने दूध पिला दिया तो मजे आ गया समझ लो जी। और मक्का को मौसम के एतबार से खिलाएं, ये मौसम के एतबार से खिलाएं। बाकी आप चना जानते हैं, खड़े मूंग जानते हैं, गेहूं है, गेहूं तो आप हर कोई खिलाते हैं भाई। सोयाबीन का एक थोड़ा सा इशू रहता है, तो सेठ कई जगह हमने देखा सोयाबीन को के थोड़ा सा फ्राई करके खिलाते हैं। हाँ खिला सकते हैं ना, अगर वो ज्यादा क्वांटिटी में खिलाते हैं तो सेक के खिलाते हैं, सेक के खिलाओ, उससे क्या रहता है, उससे जो है दांता ज्यादा फूलने वाला है, तो बकरे को जो है बागुलने में इसमें दिक्कत आती है, तो अगर आप सेक के खिलाओगे तो वो परेशानी नहीं आएगी, नहीं आएगी। तो अभी जैसे कोई नए व्यूअर्स जो भी नए बकरे पालता है, तो हम चाहते हैं, क्योंकि मैं भी सेक के खिलाता हूँ दाना, टोटल दाना नहीं, अगर आप सेक के खिलाओगे तो बहुत ही अच्छी बात है, और अगर यूं भी खिलाना है तो खिलाओ आप। बाकी उसको अभी 50 ग्राम से चालू करें उसको दाने को, धीरे धीरे क्वांटिटी बढ़ाएं, मतलब फिर उसकी भाई 1 किलो से अगर वो बकरा अगर खाता है तो फिर इन चीजों की मिद्दार भी बढ़ा सकते हैं आप, बढ़ा सकते हैं। हाँ बिल्कुल। और अगर ये 1 किलो कंटिन्यू अगर बकरा आपका लेता है तो हाँ, अच्छा आपको भले इससे अच्छा काम है अगर 1 किलो खरीदा है, बाकी आप इसमें भले दाना ना बढ़ाए उसको, हाँ कोई जरूरत नहीं बढ़ाने। पर उसमें एक बात ये भी रहती है कि सेठ बकरे का एक मिजाज भी समझना जरूरी है। हाँ सबसे पहले तो वही है नहीं, पहले बकरे को समझना पड़ेगा आपको भाई, बकरे की ये सब चीज चालू करने से पहले डिवर्मिंग करें उनकी। अच्छा आप डिवर्मिंग को, जैसे मैंने कई बार आपसे बात करी तो डिवर्मिंग को महत्व आप जो मेडिसिन के तरफ से मना करते हैं। हाँ भाई मैं साल में एक आध चक्कर उससे कर देता हूँ, बाकी तो जो है अपना डिवर्मिंग अपन उससे करते हैं अरंडी के तेल से जी। पुनः पानी के अंदर जो है अगर 50-55 किलो का बकरा है तो 50 ग्राम जो है अरंडी का तेल लें, 50 ग्राम पानी लें, पानी को कुनकुना करके अरंडी का तेल उसमें डाल दें जी, और वो बकरे को उस दिन दाना नहीं देना है, पत्ती खिलाओ जी, वो पिलाने के बाद जो है पत्ती भरो बकरे को आप, पत्ती भरे तो ये नेचुरल तरीके से करते हैं जी, उससे बकरे को परेशानी कोई परेशानी नहीं है, उससे बेहतरीन अच्छे डाइजेशन हो जाएगा उसका, मेंग भी अच्छी करेगा बकरा, उसमें कोई दिक्कत नहीं आना, भूख काफी अच्छी खुलती है, अच्छी खुलेगी। आपने जब से मुझको बताया था तो मैंने भी बकरों पर ट्राई किया, नहीं वो एक नंबर चीज है, क्योंकि अपन तो वही चीज बता रहा है जो अपन करते हैं। पहले मैं भी डिवर्मिंग जैसे मेडिसिन से करता था जी, नाम लेना नहीं चाहता किसी मेडिसिन का, पर दवाई से ही करता था, जब से उस्ताद ने मुझको बताया कि आप इस तरह से डिवर्मिंग करें तो काफी अच्छा बकरों में रिजल्ट अच्छा रहता है उसके अंदर। इसके अंदर क्या डिवर्मिंग जो गोली देते हैं अपन, उसके अंदर क्या होता है कि जो पाचन क्रिया रहती है उसके अंदर हजम करने वाले कीड़े रहते हैं, तो वो अधिकतर क्या होता है कि वो गोली अगर ज्यादा आप उससे ही करते हो तो वो कीड़े पाचन क्रिया के भी कीड़े मार डालती है, तो उससे भी परेशानी आती है बकरे, बिल्कुल बकरे की भूख मर जाती है, तो वो एक आधी चक्कर आपने कर दिया तो चलता है, बाकी आपको अगर करना हर महीने तो इससे बेस्ट चीज नहीं है, सबसे बढ़िया चीज है। तो काफी अच्छी भाई जानकारी जो हमारे को सेठ ने दी है, उस्ताद ने, मुर्तुजा भाई ने, और कोई भाई अगर किसी तरह से परेशानी में फंस जाता है तो उस्ताद उनकी मदद करेंगे आप? अरे बिल्कुल इंशाल्लाह मदद करेंगे, भले आधी रात को फोन लगाए हो, ठीक है नंबर बता दें आपके, मेरा नंबर है 9589533432, ठीक है मुर्तुजा भाई के नंबर है। और वैसे आपको बता दूं कि काफी अच्छे भाई पलाई पे बकरे रहते हैं भाई के यहाँ पर, सेठ के यहाँ, सेठ के नाम से सब जानते हैं, उस्ताद काफी बढ़िया हैं। तो उस्ताद किस तरह से अपने भराई में बकरे क्या कैसे क्या अपने पास जगह रहती है? जैसे जगह तो अल्हम्दुलिल्लाह अपने कहने जो है 35-40 बकरे की रहती है, माशाल्लाह काफी अच्छे बकरे, काफी जगह अपने कहने अल्लाह करम से पूरी फैमिली अपने बकरे खिलाती है जी जी। अपन कोई बाहर से अलग से कोई आदमी रखते नहीं है, अपना घर का ही काम ही है, और अपने मेरे लड़के वगैरह ये सब खिलाते हैं जी। इसमें तो, बकरे का जो अभी स्लॉट कितने खाली है, कितनी जगह है अभी अपने पास पलाई के लिए? अभी पलाई के लिए अपने कहने 10-12 बकरे की जगह है, 10-12 बकरे की जगह है अपने कहने अल्लाह। सेल्फ फीडिंग का भी आपका सेटअप है? सेल्फ फीडिंग पे भी रखते हैं अपन बकरे, उसका भी रखते हैं। हाँ सर, उसमें जैसे कि कोई इंटरेस्टेड रहता है वो आपसे बात कर लेगा, वैसे कि हम इसमें बात बता नहीं, वो अपन पर्सनल में बता देंगे, बात कर लेंगे, ठीक है। तो आप बात करें जी, जो भी परेशानी रहती है, और अगर आपको पलाई पर बकरे रखना है देवास में तो काफी अच्छा भाई रिजल्ट है यहाँ पर देवास में। आपने अदर वीडियो अदर चैनल पर देखी होगी कि भाई काफी अच्छे अच्छे बकरे नामचीन और काफी हैवी बकरे बनाए हैं माशाल्लाह।
तो इसी तरह से आगे की वीडियो आपको किस तरह से भाई किस टॉपिक पर उस्ताद से चाहिए तो हमें कमेंट करके बताएं और हम आपके मदद कर सकते हैं ज्यादा से ज्यादा। किस तरह किस टॉपिक पर आपको किस परेशानी के लिए आपको वीडियो चाहिए तो सेट से आप बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम। दुआओं में याद रखें। स्टे ट्यून्ड विद माय चैनल फॉर मोर वीडियोस। देवास बकरा मंडी।